हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनबीएस एडमिशन से संबंधित है। इस वीडियो में एनबीएस में सिक्स क्लास में जो एडमिशन होती है सेशन 24-25 के लिए, उस एडमिशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है और क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए यानी जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में एडमिशन के लिए 2024-25 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो इस साल यानी 2022-23 में पाँचवीं क्लास पास आउट हुए हैं। इसके लिए कुछ 6 क्राइटेरिया रखी गई है जो नीचे वीडियो में मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यदि आप सिक्स क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस आपको वीडियो पर मिल जाएगी यानी इस चैनल पे मिलेगा आपको। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है यानी 10/8/2023 है और 20 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम होगा नवोदय विद्यालय से संबंधित यानी सिक्स में एडमिशन से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होगा 20 जनवरी 2023 को होने की संभावना है। अब हम बात करें स्पेशल फीचर की, नवोदय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का क्या बेनिफिट होने वाला है, यह जानना सबसे ज़रूरी है। तो जो जनरल साइलेंस फीचर की बात करें तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है स्कूल बनाया गया है नवोदय विद्यालय के लिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया गया है और जो बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में है वह उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग बॉयज़ हॉस्टल हैं और गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल हैं। एजुकेशन की बात करें तो फ्री एजुकेशन जो है बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू की माइग्रेशन स्कीम भी हैं। उसके बाद प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट गेम्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होगी और NCC स्काउट्स गाइड्स एंड NSS में के लिए भी इसमें बच्चे सीखेंगे, तैयारी करेंगे। सबसे जो स्पेशल फीचर की बात करें तो JEE मेंस में सबसे ज़्यादा बच्चे NBS के सेलेक्ट हुए हैं। JEE एडवांस 2022 में भी 1010 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हुए हैं और JEE मेन में 2022 में 4296 बच्चे जो हैं, इनमें से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यानी 56% सेलेक्ट हुए हैं और JEE एडवांस में 33.7% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। नीट 2022 में जो हैं 19352 में से 78% जो बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय समिति के जो JEE विद्यालय हैं उसके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और बेस्ट रिजल्ट रहा है क्लास 10 और 12 का 22-23 में, जो सबसे अच्छा रिजल्ट की बात करें तो कक्षा 10 में 99.14% और कक्षा 12 में 97.51% रिजल्ट रहा है। अब हम बात करें कि कौन बच्चा अप्लाई करेगा, तो देखिए सेशन 23-24 में जो बच्चे पास आउट हैं यानी इस साल जो बच्चे पास आउट हैं, जो 23-24 में पास आउट हैं वही बच्चे अप्लाई करेंगे। और अपने ज़िले में जो भी कॉलेज हैं यानी जो भी अपने ज़िले में जो भी जवाहरलाल नेहरू विद्यालय हैं उस विद्यालय के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि उनका डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है, तो 1/5/2012 यानी 1 मई 2012 से लेकर 31 जुलाई 2014 के बीच में जन्म हुआ है तो वो एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो नवोदय विद्यालय में आप विद्यालय के वेबसाइट पर जाकर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और एटलीस्ट 75% जो हैं डिस्ट्रिक्ट में जो रूरल एरिया ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं वही बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें SC ST OBC और दिव्यांग बच्चों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। 1/3 की रेशो से सीट रिजर्व की गई है गर्ल्स के लिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप गार्जियन हैं और बच्चों का नवोदय विद्यालय समिति में जो JEE का विद्यालय हैं जवाहरलाल